जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने बताया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत इस वर्ष का योग कार्यक्रम विगत वर्षों की भांति आयोजित नहीं किया जाएगा, बल्कि शासन के निर्देशानुसार इस बार सभी लोग अपने अपने घरों पर ही योग करेंगे और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर हैशटैग करते हुए अपलोड करेंगे। इस अवसर पर एक योग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चे, वयस्क, वरिष्ठ नागरिक, महिला, पुरुष, योग पेशेवर शामिल हो सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी प्रतियोगियों को 3 से 5 मिनट का योग करते हुए वीडियो बनाना होगा, जिसे प्रतिभागी अपने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट को अपलोड करना होगा। जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने बताया कि आयुष कवच ऐप का प्रयोग कर रहे लोग आयुष कवच ऐप पर लॉग इन करके तथा जो लोग आयुष कवच ऐप का प्रयोग नहीं कर रहे हैं वह उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी के वेबसाइट पर लॉग ऑन कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने बताया, 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माना जाता है और ये गर्व है, 12 से ये योग शुरू हुआ है, पूरा दुनिया में फैल गया है। इसलिए तो प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कल सवेरे 7 बजे अपने घर पे ही योग करा लें, ताकि कोरोना संक्रमण के वजह अपील किए। तो इस पर जो 2 लिंक दिए हैं, ये केंद्र सरकार का लिंक है, भारत सरकार का लिंक है, इस पर किसी भी लिंक में अपने फ़ोटो और क्लिपिंग और वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। उसका पुरस्कार भी अलग घोषित किए हैं और राज्य स्तर पर पुरस्कार भी मिलेगा यदि आप सेलेक्ट करेंगे। आपको सेलेक्ट होते हैं तो 51,000 रुपया पहले पुरस्कार, दूसरा, तीसरा, उस टाइप का 3 लेवल का राज्य सरकार लेवल पर भी है और जनपद लेवल पर भी हम लोग 3 पुरस्कार देंगे। जो योग अच्छा करते हैं उन्हीं के हिसाब से उन लोगों को 3 पुरस्कार देंगे और बाकी लोगों का हम प्रशस्ति पत्र इत्यादि भी देंगे। मैं सबसे अपील करता हूं, इस समय में कोरोना संक्रमण में लड़ने के लिए तो योग भी एक अच्छा साधन है, ताकि प्राणायाम योग करते हैं उसका आपका शरीर तंदुरुस्त रहता है और आपका जो इम्यूनिटी बढ़ता है। आप भी इस पर शामिल हो जाइए इस अभियान में और आपको परिवार सहित कल आप करा करके आप अपलोड भी करा दीजिए।